कर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, मारपीट मामले का एक नया वीडियो भी सामने आया है। इस मामले में और क्या अपडेट है ये भी आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा बात होगी कांग्रेस से हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेता अक्षय कांति बम की, जिनके 17 साल पुराने मामले में किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। साथ ही बात होगी बिलाईगढ़ में प्यार के खौफनाक अंजाम की, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। साथ ही बात होगी एमपी छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के साथ ही बढ़ रहे जल संकट की। आगे बताएंगे कैसे सरगुजा जिले में हैवी ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं, तो वहीं बात होगी छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे डायरिया के प्रकोप की भी। और सबसे पहले बात विभव कुमार की गिरफ्तारी की। विभव कुमार को आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। बता दें, दिल्ली पुलिस विभव कुमार की रिमांड मांग सकती है। विभव को केजरीवाल के आवास में ले जा सकती है पुलिस। विभव के सामने क्राइम सीन रिक्रिएट भी पुलिस कर सकती है। तो विभव कुमार को आज कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विभव कुमार को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस विभव कुमार की रिमांड मांग सकती है। बता दें आपको, विभव कुमार को केजरीवाल के आवास में ले जा सकती है पुलिस, और साथ ही साथ विभव के सामने क्राइम सीन रिक्रिएट भी कर सकती है। तो ये जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों के आधार पर जो है कार्रवाई अब पुलिस करने की तैयारी में है। कई सारे आरोप, मारपीट के आरोप, अभद्रता करने के आरोप, और उसके बाद अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गिरफ्तारी हो चुकी है, अब किसी भी वक्त कोर्ट में पेशी हो सकती है विभव कुमार की। स्वाति मालीवाल बदसलू की केस, विभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका जो है खारिज हो चुकी है। विभव की अग्रिम जमानत याचिका निष्प्रभावी है, कोर्ट ने यह कहा है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत का औचित्य नहीं बनता। तो वहीं इधर विभव कुमार की गिरफ्तारी पर केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं, सबको जेल में भेजने की साजिश है। आज मेरे पीए को जेल भेजा है, ये मुफ्त बिजली को रोकना चाहते हैं। कल 12 बजे बीजेपी मुख्यालय जाऊंगा, सभी नेताओं के साथ बीजेपी मुख्यालय जाऊंगा। ये बड़ा बयान केजरीवाल के द्वारा गिरफ्तारी के बाद, ये बड़ा बयान केजरीवाल ने दिया है विभव कुमार की गिरफ्तारी, उसके बाद यह बड़ा बयान केजरीवाल का। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी आप ये जेल जेल का खेल खेल रहे हो, कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलए एमपी सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिस जिस को आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो, एक साथ जेल में डाल दो। आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 17 साल पुराने जमीन से जुड़े मामले में किसी भी वक्त अक्षय कांति बम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है, और इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। इधर पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। तो अक्षय कांति बम की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी मामले में अगली सुनवाई 24 मई को भी होना बताई जा रही है।